सलाम दादू। वालेकुम सलाम दानिश, कैसे हो तुम? कल तुम बहुत देर से आए, और आए भी तो मुझसे नहीं मिले, एहसान से मिलके चले गए, ये क्या बात हुई? दादू एक बहुत जरूरी काम आ गया था, तुम्हें जल्दी जाना हो। अच्छा चलो आओ, मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, कम ऑन। अच्छा दानिश, मुझे कुछ कंफ्यूजन है, और वो ये है कि अगर दानिया को शादी नहीं करनी तो फिर ये मंगनी वंगनी का ड्रामा क्यों? समझ तो किसी ये भी नहीं आ रही दादू, पूछो तो उल्टे सीधे जवाब देती है। लेकिन आप इस वक्त एहसान अंकल पे फोकस करें, वो दिल से चाहते कि दानिया की शादी हो जाए। एक बात सच सच बताना, एहसान को इतनी जल्दी क्यों है? सच सच बताओ, उसकी तबीयत तो ठीक है? जी बस वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे दानिया के लिए। आप तो ये बात मानती है ना कि वो दानिया के लिए जो भी फैसला करेंगे वो गलत फैसला नहीं होगा? हाँ भाई, मैं समझती हूँ, उसकी बेटी है आखिर, और दानिया भी इस बात को समझती है। तो बस दादू जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, बाकी आगे अल्लाह मालिक है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम रूहान को लेके शॉपिंग पे चले जाओ। उस दिन वो लोग गए तो थे, लेकिन पता नहीं क्या उल्टा सीधा किया, कुछ ले ही नहीं सके। मैं तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड दूंगी, पासवर्ड भी बता दूंगी। दादू मैं दानिया से मिल लूं? हाँ हाँ मिल लो, लेकिन प्लीज ये अपनी ऐंठन तो कम करो, दोस्तों से मिलते हुए इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ओके? ओके।